तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है. सो द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप. मतलब क्या है, जो एंजाइम, एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एंजाइम को कहते हैं हम, ये कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट है मतलब क्या है, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है. तो इसकी ये जो साइकिल है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द फॉलोइंग स्टेप. तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है. फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट. मतलब क्या है बच्चों, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका एंजाइम है, मैं देखो एंजाइम भी बना देती हूँ, जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट, आपको पता है ना बच्चों एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट ये है जहां पर आपका सबस्ट्रेट जाके अटैच होने वाला है. ठीक है, तो ये बना दिया है एंजाइम ब्लू कलर में और येलो बना दिया एक्टिव साइट. तो सबस्ट्रेट जो होगा वो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा. तो चलो फटाफट से सबस्ट्रेट भी बना देते हैं. ये देखो ये हमने सबस्ट्रेट बना दिया. तो जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में जाकर अटैच हो जाता है. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया क्या आपको. द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इन टू द एक्टिव साइट, मतलब वो एक्टिव साइट पे फिट हो गया है. ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर टू. द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. मतलब क्या है कि जैसे ही आपका सबस्ट्रेट अटैच होगा, थोड़ा सा एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा. राइट, क्यों, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है कि जो सबस्ट्रेट है वो टाइटली अटैच हो जाए. मतलब सबसे पहले वो सबस्ट्रेट लूज फिटिंग दिखाता है, उसके बाद वो टाइट फिटिंग दिखाता है. तो जब वो टाइट एकदम टाइटली फिट हो जाता है एक्टिव साइड पे, तो थोड़ा सा एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. तो क्या लिखा है बेटा, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब जब सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो उसके वजह से एंजाइम जो है उसका शेप ऑल्टर हो रहा है. सो दैट सबस्ट्रेट बहुत फिटिंग मोर टाइटली, सबस्ट्रेट जो है बहुत अच्छे से टाइटली फिट हो सके. क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. मतलब क्या है बेटा, अब जो एक्टिव साइट है, ये तो एक्टिव साइट है, वो किसके प्रॉक्सिमिटी में है, वो सबस्ट्रेट दिख रहा है ना, येलो कलर की एक्टिव साइट है, उसके ऊपर जोर का सबस्ट्रेट अटैच हुआ हुआ है. तो अब जैसे ही वो होगा, तो अब क्या होगा, आपके सबस्ट्रेट में जो केमिकल बॉन्ड्स है, ठीक है, जिससे वो सबस्ट्रेट बना है, ऑब्वियसली सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट है ना, आई मीन टू से सॉरी, सबस्ट्रेट एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है. तो ऑब्वियसली अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें केमिकल बॉन्ड है. अब ये केमिकल बॉन्ड टूट जाएंगे और अब क्या बनेगा, अब बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. चलो बना देते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. तो ये मैंने बना, तो चलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हम बना देते हैं. सेम वे बनाएंगे हम, हमने यहां पर बना दिया है एंजाइम और हमने बेटा यहाँ पर बना दिया है अब प्रोडक्ट. ये देखो ये बन गया प्रोडक्ट. तो ये क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट, मतलब जो एंजाइम सब्सट्रेट था वो अब बदल गया इनटू एंजाइम प्रोडक्ट. तो क्या कह रहा है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सब्सट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है सब्सट्रेट के एंड फिर नया बन रहा है प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं नया न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. तो अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है. ठीक है बच्चों, फिर क्या दे रहा है, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट. तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये एंजाइम ये प्रोडक्ट को अलग से, ये देखो अलग से रिलीज कर दिया है. और अब जब ये प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया है तो जो एंजाइम है वो फ्री हो गया है, एंजाइम जो है वो फ्री हो गया है. अब वो क्यों फ्री हो गया है, सो दैट इट इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, ताकि वो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से फिर से अटैच हो सके और फिर से ये कैटालिटिक साइकिल जो है रन हो सके. समझ में आया बच्चों? तो ये पार्ट यही कह रहा है कि कैसे एक सबस्ट्रेट आपके एंजाइम के साथ, एक्टिव साइट के साथ, पहले लूजली फिर टाइटली बाउंड करता है, एंजाइम का शेप ऑल्टर करता है. जैसे ही वो टाइटली बाउंड कर जाता है, केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के टूटते हैं, एंजाइम एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. अब एंजाइम ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और खुद फ्री हो जाता है, सो दैट वो न्यू मॉलिक्यूल ऑफ सब्सट्रेट के साथ अटैच हो सके और फिर से ये कैटालिटिक साइकिल चल सके. आई रियली होप अब आपको ये लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गई है. थैंक यू सो मच. ग्रो टुगेदर. आई विल मीट यू सून.